प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर वर्कशॉप को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस कनिष्ठ पांडे ने बताया कि 4.5 साल की विफलताओं का मुकुट लगाकर घूम रही बीजेपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार यह सरकार अपनी पीठ स्वयं थपथपा रही है। झूठ का व्यापार, प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर, नौजवानों के भविष्य पर वार और अन्नदाता किसान पर सत्ता का प्रहार कर रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार बीजेपी हर मुद्दों पर फेल साबित हुई है, चाहे वह महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार की बात हो या फिर सिर्फ झूठ के प्रचार प्रसार पर ही टिकी है ये सरकार। साथ ही उपस्थित रहे जिला अध्यक्ष अंकित तिवारी, जिला उपाध्यक्ष विशाल कुमार, जिला महासचिव शारिक फाजा और प्रदेश महासचिव अमनीश शुक्ला भी शामिल रहे। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए विशाल कुमार की खास रिपोर्ट लखनऊ से। और सारे 75 जिले से जो भी सोशल मीडिया के हमारे वॉरियर्स हैं, जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन सब लोगों की आज यहाँ पे बैठक रखी गई थी, वर्कशॉप रखी गई थी, आने वाले समय में इस सरकार पर झूठ का और मजबूती से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पर्दाफाश करना कैसे काम करेंगे। लगातार ये बात रही है, एक्टिव रहा है भारतीय जनता पार्टी की चीज़ों को सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से लाया गया। ऐसे में कांग्रेस महासचिव को स्टैंड करेगी है कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक्टिव है उसको किस तरीके से। देखिए, लड़ाई यहाँ पे दो है, लड़ाई झूठ की सत्य से। हम लोग हमेशा से सच के साथ रहे हुए हैं और वो अभी से नहीं, पिछला जो हमारी पार्टी का इतिहास है 125 साल का, हम लोग हमेशा सत्य के साथ रहे। इनका काम हमेशा झूठ फैलाना है। हम लोग देख रहे हैं आज भी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारों का मुद्दा हो, चाहे व्यापारियों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, लगातार हर मोर्चे पे सरकार विफल है। हम लोग इनकी जो भी विफलताएँ हैं और आम जनमानस के जो भी मुद्दे हैं उसको पूरी ताकत से उठाने का काम करेंगे। इससे पहले भी सोशल मीडिया का दौर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत पकड़ रही है, जिससे कि जो सरकार बना ली है सोशल मीडिया के संबंध में झूठ काफ़ी उससे आकर्षित हो रहा है। ऐसे में इससे पहले, चूँकि आगामी चुनाव है, इससे पहले कांग्रेस सोशल मीडिया पर क्या वजह रही है कि आज ये हम लोग निरंतर, देखिए फिर से जो मैंने कहा, लड़ाई आप झूठ से लड़ रहे हैं। एक तरफ दूसरी पार्टी है जो निरंतर हर वादे पे झूठ बोल रही है। इन्होंने रोजगार का वादा करा, उस पर आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने पेट्रोल डीजल का वादा करा, उस पर आप देख सकते हैं। इन्होंने MSP का वादा करा, उस पर आप देख सकते हैं। इन्होंने खाद्य सामग्री पर जो वादा करा, उस पर लोग देख सकते हैं। अब बात है इनके झूठ को उजागर करने का। हम लोग सारे जिलों में, हम लोग की सोशल मीडिया की टीम बन रही है, आगे जाकर उसको विधानसभा लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर उस टीम को हम लोग गठित करेंगे और इनकी जो ये झूठ है उसका पर्दाफाश करने का काम करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। कितने संख्या में युवा जुड़ेंगे और कितनी संख्या रहेगी? इसका पूरा एक संगठन का ढांचा बना हुआ है। हम लोग पूरे 75 जिले में इसके कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त होंगे, उसके बाद विधानसभा लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे लगातार उस पर काम चल रहा है। उसी की वर्कशॉप हो रखी थी, आगे चल के इसको मंडल वाइज की वर्कशॉप करी जाएगी और उसमें जो मंडल के वहाँ पदाधिकारी होंगे उनको इन्वॉल्व करा जाएगा। लगातार ये काम चल रहा है, इसके पहले जब लोग लगातार संगठन पर काम चल रहा है, आज आपने देखा यहाँ पे जिले वाली है, आगे चल के ब्लॉक वाली है, तो इस पर निरंतर इस पर संगठन पर काम चल रहा है। काफ़ी हद तक हम लोगों ने संगठन तैयार भी कर लिया। ठीक है, थैंक यू।